ये वाला बताओ। यार तारा, ये ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम्हें आज सबसे अच्छा लगना है। यार मेरी शादी थोड़ी है। अच्छा ये वाला बताओ। तारा नहीं अच्छा लग रहा ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। ये कलर तो अच्छा लगता है मुझ पे। ये इसका वार्डरोब है, कोई धनक मस्तानी का आउटलेट नहीं। अपनी दोस्त से कहो कबाब में हड्डी ना बने और कैमरे को जरा सीधा पकड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ मिस्टर, मैं कोई कैमरामैन नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए हो। मिस्टर सारिफ, अब आपके लिए भी ना मेरे लोग एक सरप्राइज है, तो आप इंतजार कीजिए। यार क्या चीज है ये चाइना का वायरस, कितना कॉन्शियस हो रहा था तुम्हारे लिए। यार उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है ना मेरा। खैर तुम्हें जो वार्डरोब से अच्छा लग रहा है तुम निकाल कर पहन लो, ये ना हो कि जमील भाई चले जाए। सनम कच्ची गोलियां नहीं खेलती, चुपके से उनकी एम्बुलेंस की कीज ले आई थी। रोमियो भैया इतनी अच्छी फोटो शूट कीजिएगा कि हमारे फैंस को वाकई लगे हमारा मायू हुआ था। लेकिन जल्दी कर ले, प्लीज मेहंदी का शूट भी करवाना है। हाँ चले चले। मैम आप थोड़ा करीब आइए। रूमी देख के व्हाइट कुर्ता है, मेहंदी ना लगे प्लीज। हाँ मेहंदी है, गोबर थोड़ी है, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये तुम आईफिल टावर जितनी हील्स पहन के आ गई हो, मैंने मना किया था रूमी। सुनो तुम्हें तो मेरी आज हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है। चले यहाँ यू पोज करके देते हैं। रूमी मैंने बोला था ख्याल रखना, मेहंदी लगा दी है व्हाइट कुर्ते पे। तो तुम भी तो थोड़ा ख्याल रखो, हमारी मेहंदी है, एक कुर्ता खराब हो गया तो क्या मसला हो गया। क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो। जाहिल मैं? जाहिल मतलब बताओ। दे दिया सबूत के कौन जाहिल है, खींचे भाई इनकी पिक्चर खींचे। मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मतलब इस बात का? ये तीसरा झगड़ा है आपका इस इवेंट में। आपको फुल डे के लिए पे किया है ना, तो एक झगड़ा हो या 10 आप यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकर आती हूँ स्टूपिड हाशू को।